मोर देन व्हाट वी पे. एक्चुअली कुछ दिया ही नहीं हम लोगों ने, वो अलग बात, वो टॉपिक नहीं छेड़ेंगे. यहाँ पे थाईलैंड आ रखे हैं, बीवी बैठी है किसी कंट्री में और यहाँ पे आके दूसरी गर्लफ्रेंड चल रही है. अगर किसी फॉरेनर से पूछ देता ना, वो यूं खड़ा होता. हाँ हाँ, क्या सुंदर लग रहा है यार, मस्त एकदम. यहाँ पे तो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया बाबा का अच्छी खासी ट्रिप में. वहाँ पे पार्क करना और उर भाई ओए भाई, यहाँ पे पार्किंग कर तो दी. अब मुझे लग रहा है इज इट सेफ हियर बिकॉज़ देयर आर मोर एक्सपेंसिव वंस देन योर्स. ए डमी, एक तो तू है ना यार, तो दिल दुखा देती है ऐसी बातें बोल के. अरे भैया इंडियन स्टाइल में रोड क्रॉस करेंगे, बेल ना दे कोई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. व्हाट इज दैट और यार नारियल पानी देना है मन कर रहा. जन्नत पे आ गए भाई, क्या लग रहा है मस्त. डैमेज को बासी आ रही है, ऑब्वियसली मुझे भी थकान हो रही है. वाटर पार्क की एक्टिविटी करते करते चाहे कितना खाया हमने सब पचा दिया वहाँ पे भाई. बाकी अच्छा है, अभी भी तुम्हारे बाबा का यू नो बर्थडे है, 9th of July है अभी तो. अभी कॉफी वॉफी पीने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे, एक स्टारबक्स है बिल्कुल सामने, उसके लिए पार्क वहाँ पे किया है. स्टारबक्स में एक कॉफी लाटे पी लेंगे, थोड़ा यहाँ पे डोल लेंगे, राइट डैमी. And then, walking street that side. भैया क्या धमाल मचाया था walking street में. बाकी वो रहा famous पटाया का logo, पटाया city का. चलो coffee पीते हैं और happy birthday to me. अभी भी चार या तीन vlog से मैं यही गाया जा रहा हूँ कि मेरा birthday है, मेरा birthday है. क्योंकि सच में चल ही रहा है मेरा birthday. अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 12 बजे खत्म होगा. जाने दे थोड़ा traffic से निकल जाने दे. आजू बाजू देख जा. अरे बारिश में है ना, एक तो तुम्हारे बाबा का कच्चा पिछवाड़ा और पूरा पटाया गीला कर रखा है. क्या यार मस्त बाहर बैठते हैं. दिस लुक गुड. हाँ तो फाइनली अलविदा कहने का टाइम आ चुका है इस सुंदर सुशील होटल को. अच्छा व्यू था, अच्छा पूल था, सब कुछ बढ़िया. बेड ने बढ़िया साथ दिया, हर चीज़ ने बढ़िया साथ दिया, स्पेशली हमारे होटल के अब खुल गया कमोड ने बहुत बढ़िया साथ दिया. धन्यवाद कमोड टू हैंडल ऑल द शिट, लिटरली ऑल द शिट. बंद करो हाथ जोड़ के. मैं भाई कपड़ों की कमी हो गई, गलत बैग भूल आया मैं, वही चीज़ें बार बार पहननी पड़ी. ये तो चलो नहीं पहन रखी है, करना पड़ता है, चलता है. बाइक की ऐसी बैंड बज रखी है ना, हमें सी दो बाइक और रॉन्ग. ये देखो डैमी लुक एट दिस. भैया ये तो धोनी पड़ेगी जाते ही. भैया निकल गए. ये ड्राइव थ्रू अच्छा लगा मुझे, मतलब टोटली होटल अच्छा है. पैसा जितना मांगते हैं होटल वाले उस हिसाब से होटल काफ़ी बढ़िया है. व्हाट हाउ मच यू विल रेट दिस होटल डैमी? 5 out of 5 फॉर द मनी. मनी इज वर्थ राइट, मोर देन व्हाट वी पे. एक्चुअली कुछ दिया ही नहीं हम लोगों ने, वो अलग बात, वो टॉपिक नहीं छेड़ेंगे. अच्छा है प्राइस के हिसाब से, खाना भी सही था और रहना वहना भी बढ़िया है. लोकेशन भी पास है भाई, बिल्कुल बीच के पास है, वॉकिंग स्ट्रीट के पास है. अगर तुम लोगों को वॉकिंग स्ट्रीट के लिए ही पटाया आना है तो डैमी ने मेरा हेड गियर उसमें मेरा हेड कैप हेडवेयर व्हाट वी कॉल दिस क्लॉथ. डैमी ने मेरा हेड कवर अपने गीले कपड़ों के साथ रख गया, तो मस्त गीला हो रखा है वो, तो मैंने वहाँ पर टांग दिया, सूख जाएगा. चड्डी की भी टेंशन नहीं है, अब चड्डियाँ भी मेरी गीली होंगी अगर पहननी होगी. मान लो समुद्र में कूदता है बाबा और चड्डी गीली हो जाती है, तो इस वाले पर टांग देंगे क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं टांगने को. ये भाई मसाज वसाज लेनी है, तो डैमी बोल भी रही थी मसाज के लिए, क्या पता ले लें, क्योंकि बहुत टाइम है हम लोगों के पास, बहुत टाइम है आज. क्या भाई बात है यार इस एरिया में. ये एरिया मुझे पता है, अगर मैं पता नहीं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, अगर इस तरफ मत देखो, केवल ये पेड़ देखो और समुद्र देखो, लगता है कैलिफोर्निया कहीं आ गया पेड़ों की वजह से. मेरे हिसाब से मेरे को तो फीलिंग आती है यहाँ पे. पटाया में बहुत बार आया हूँ, मोस्टली इस एरिया में आके हमेशा फीलिंग आती है. कल रात को जहाँ पे ब्लॉग रोका था उधर ही आ गया और उधर ही जा रहे हैं. मुझे कॉफ़ी पीनी है, डैमी को भी कॉफ़ी पीनी है. कॉफ़ी उठाते हैं फिर यहाँ पे बीच में कहीं बैठ के चिल करते हैं. माना कि गर्मी है पर कॉफ़ी जरूरी है. पीछे जो मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं वो अपनी बीवी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और थाईलैंड की गर्लफ्रेंड कोने पे बैठी हुई है, बीच बीच में वीडियो कॉल ऑफ करके श्श कर रहे थे उसको, थाई लड़की को. मैंने बोला हद हो गई है, मतलब
यहाँ पे थाईलैंड आ रखे हैं, बीवी बैठी है किसी कंट्री में और यहाँ पे आके दूसरी गर्लफ्रेंड चल रही है। ये ट्रिप एकदम पप्पी जा रही है। ओ वी कैन इवन टेक फुट मसाज डैम, लेट्स टेक इट आफ्टर अ व्हाइल, नॉट नाउ, एनीवेयर ऑन द ऑन दिस इट्स ओके, वी डोंट हैव टू टेक द चेयर बिकॉज़ देन यू हैव टू सिट सो फार फ्रॉम द सी। हे चिल डैडी चिल भाई, ये वाली ट्रिप मैं बोलूंगा अच्छी गई है क्योंकि ऑब्वियसली बाइक राइड पे आए, मौसम इतना सेक्सी हो रखा है पूरे 3-4 दिन जितना भी रहा, वेदर इज द बेस्ट पार्ट राइट अबाउट दिस ट्रिप। You remember I saw a video, I sent it to you, I think. The Asian take good photos than any foreigner. Hold it. So if you ask an Asian, they will never take a good photo. But no, foreigners will not take it. They will be like, tuck, 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 quickly, right? But he sat an angle and all. Abhi in bhaiya se photo ke liye bola, Asian hai. Aur bhai usne bandar ne puri jaan laga di, niche upar ekdam sat karke. Aur itni badhiya pic liye hai, nice pic hai. Asian give a shit. Asian logon itne achche hota hai ki unko farak padta hai ki yaar photo achcha hai unki. Agar kisi foreigner se puch deta na, woh yun khada hota. Done. Like that, right? ये इसका वीडियो भी था एक जो प्रूव हो जाता है आज। नाइस। डैमी जी को पेलना था थाई फूड, तो थाई फूड पेल रहे हैं भाई। ये मैंगो स्मूदी इज नंबर वन। ये रेस्टोरेंट है बीच के सामने। खत्म करते हैं, निकलते हैं भाई। टेस्टी अपन खा भैया, बाबा की गाड़ी निकली पम पम पम। अच्छा था खाना, अच्छा था, खा भी लिया निकाल भी दिया क्योंकि मौसम फिर से बढ़िया हो गया। फिर भी मैंने इनर्स पहन लिए क्योंकि रास्ते में रुकेंगे नहीं, यू नो धूप निकल जाए कुछ हो जाए। अभी मौसम चुम्मा हो रखा है। हेलमेट वाले कैमरे से मिले, हेलमेट वाले कैमरे से मिलते हैं। पूरा का पूरा 3 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, 127 किलोमीटर है घर तक। बोलो जय श्री राम। अब इधर से क्या है कि ये जो पटाया बीच की रोड है ये वन वे है, तो हमको लेफ्ट लेके उधर जाना पड़ेगा, इधर से नहीं जा सकते। पटाया में भी है क्या? पूरे थाईलैंड में ये देखना क्या गुच्छे, यहाँ पे भी गुच्छे हैं भाई। बैंकॉक में वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग टू लुक अराउंड इज दीज वायर्स भाई, कैसे एकदम बिल्कुल यू नो गुच्छे हो रखे हैं गुच्छे भाई। और अगर मान लो इसमें कुछ खराबी आ गई तो साले पता कैसे लगाते हैं कौन सा तार है, कौन सा तार फिक्स करना है। ओके डैमी ने बोला टर्न राइट, तो टर्न राइट, स्ट्रेट जाने का फायदा ही नहीं है। तो फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं भैया, अच्छा लग रहा है। खाली खाली 120 की स्पीड ना, 105 की स्पीड में चला रहा हूँ अभी, और तेज भगा सकता हूँ पर जरूरत है नहीं। नॉर्मली हम लोग 6-7 बजे तक ही पहुँचेंगे, 7 बजे तक मान लो घर पहुँचेंगे। और दिक्कत ये है 6-7 बजे तक पहुँचने में कि आज मंडे है तो ऑफिस एंड होता है उस टाइम पर और भीड़ गंदी मिलती है 7 बजे। ये चौंगबुरी का वेलकम होता है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे अटके थे हम लोग, बारिश हो रही थी लबालब, तुम्हारे बाबा को पकोड़े खाने थे, चाय ठूसनी थी सर, कुछ नहीं मिला तुम्हारे बाबा को। यहाँ पे अटके थे, निकल लिए यहाँ से। आज बारिश के कोई वो आसार नहीं है, खाली दिख रहा है पूरा, जो कि अच्छी बात है। मुझे नहीं अटकना है फिर से, मुझे टाइम पे पहुँचना है, बहुत काम बचे हुए हैं बैंकॉक जाके। स्पेशली पहले तो यार गाड़ी धुलवा के लाऊंगा यार मैं, गाड़ी इतनी गंदी हो गई भाई 3 दिनों में, कचरा एकदम। हाँ हाँ क्या सुंदर लग रहा है यार, मस्त एकदम, मज़ा आ गया, मस्त ट्रिप, मस्त, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स। और पहली बार इतनी लंबी रोड ट्रिप किया तो उसका एक अलग यू नो एक्साइटमेंट था, और नई नेक्स्ट ट्रिप की भी एक एक्साइटमेंट है। अब तो इंडिया भी जाने वाले हैं जल्दी हम, तो उसकी भी एक्साइटमेंट है। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं इस चैनल पे आने वाले दिनों में, तो लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मज़ा आना है भाई स्टे वाले चैनल पे। अब धनाधन एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली हैं, देखते जाओ तुम लोग। हेलो डैमी कम, नो नेम भाई, कोई कोई नाम नहीं है इस बंदे का। आधा घंटा रुकेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं क्योंकि घर फिर भी टाइम पे ही पहुँचना है। क्या ऐसे स्पीड अच्छी थी, मस्त स्पीड में आए और काफ़ी हजाम है, हजाजा है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। यू सॉरी वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी और समथिंग एल्स? लस्सी पीनी है मैडम। डिड यू से लेट्सी और लस्सी? लेट्स ही बोल रही थी, लस्सी में ऐसे ऐसे जो निकल जाते हैं तुम्हारे बाबा की, क्या करूँगा। इंडिया में मुझे चाय ब्रेक मिले ना मिले, ढाबे में जो वो रोटी
भट्टी में बनी हुई रोटी और एकदम बेसिक दाल और कांदा। कोई दाल रोटी और कांदा लवर है ढाबे का एकदम रोड ट्रिप में तो कमेंट डाउन दे लो, लाइक बटन ठोक देना, मजा आ गया। यहाँ पे तो भैया कॉफी मिलती है, मन इंडियन चाय पीने का कर रहा है पर मिलेगी नहीं, क्या करें, कॉफी तो काम करना। आत्मा तृप्त हो गई, गमी क्या हो गई, आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा तृप्त हो गई, हो गई, आत्मा तृप्त हो गई, पता था आधा घंटे का एक घंटा होना है, एक घंटा पूरा लग चुका है हमें, अब उसमें हमारी कॉफ़ी गलती नहीं है, मेरे हकवास की भी गलती है, हकवास में कुछ ज़्यादा बकवास हो गई, यू नो बड़ा स्ट्रगल था तो हो गया भैया, जिंदगी फिर से स्लो पटाया मैं कहाँ 100 से तो नीचे गाड़ी जा ही नहीं रही थी भैया, यहाँ पे आते ही हो गई लाइफ स्लो, 20-30 की स्पीड पर चलाओ। अरे भैया ओहो भैया गैस छोड़ दी मुँह पे, दैट वॉज टू मच है भाई, मुंह पे फेंक दिया उसने पूरा अपना प्रदूषण। अब मैं तुम लोगों को एक इंसिडेंट बताऊंगा जो हमारे साथ पहले दिन हुआ था, घर से निकलते ही बारिश हुई थी और हम लोग एक कैफ़े में रुके थे, वहाँ उससे जस्ट कुछ क्षण पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो तुम लोग देखो जाके, वो मैंने पहले व्लॉग में इसलिए दिखाया क्योंकि मैं चाहता नहीं था इस सीरीज़ पटाया सीरीज़ के व्लॉग की शुरुआत इस तरह से दिखाई जाए, इसलिए मैंने वो पार्ट हटा दिया था, पर अब मैं चाहता हूँ तुम लोग वो पार्ट देखो। तो भैया स्टारबक्स दिख गया, भगवान ने बोला ठीक है रो मत, ये ले स्टारबक्स, बैठ जाए यहाँ पे, चाय की चुस्की हमारे कॉफ़ी की चुस्की, फिर निकल लियो। वॉचमैन का मूड अच्छा नहीं है, बोला कि साले तू गीले होते हुए आएगा, वहाँ पे पार्क करना और उर भाई ओए ओए व्हाट, अरे यार यू ओके, आई डोंट नो स्लिप, अबे बाइक स्लिप हो गई यार, यू ओके, चेक एनीवेयर, टर्न अराउंड, लिटिल बिट हो गया, या पोपट हो गया, ओए आई मीन इट्स स्लिपिंग भाई, पिसल रही अब तो गाड़ी, अब बिल्कुल एकदम टांग है ना जमीन पे गाड़ के ले जाऊंगा मैं यहाँ से, इतना टट्टी रास्ता बना रखा है ना, यहाँ पे कोई और बाइक चलते हुए दिख रही नहीं है, यही जगह है, ये देख रहे हो कितनी चिकनी रोड है, पता नहीं इतना क्यों, मैं तो एकदम पाँव टका के एकदम धीरे धीरे ले जाएंगे यहाँ से, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे भाई, कोई जल्दी है ही नहीं, शाम तक पहुंचू मैं उधर तक मेन रोड तक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई, लुक 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 डैमी आई एम टेलिंग यू, ए दिस इज द रोड 100%, सी 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 स्लाइडिंग, व्हाट Why they want to make road like this? This is okay now. You see, this is real road. Now this is okay. वहाँ पे ये और वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। टेंशन मत लेना, ना ही डैमी के लगी थी ना ही मेरे लगी थी बिल्कुल भी, और सरप्राइजिंगली बाइक में खरोच भी नहीं आई थी क्योंकि जो सरफेस था वो पूरा इतना चिकना था जिस वजह से हम लोग गिरे भी। यहाँ पे तो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया बाबा का अच्छी खासी ट्रिप में, प्रेशर बना और ये मिला देसी, क्या किया जाए, फिर से ये हाथ काम आने वाला है।